अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्राउंड रियल्टर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए खूबसूरत 5 मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट लेके आए हैं जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। वीडियो में बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, इस वक्त इस खूबसूरत 5 मल्ला रिहायशी प्लॉट के बिल्कुल सामने में मौजूद हूँ। स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये सामने जो है मेन हॉल है सेवरेज का। सेवरेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स, ये सामने जो है 5 मल्ले का प्लॉट है जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। प्लॉट की साइज़ का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये 5 मल्ला प्लॉट है और अगर इसके डायमेंशंस की व्यूअर्स बात करें तो 2550 जो है इसके डायमेंशंस बनती है। मैं थोड़ा आपको ऊपर से भी इसका व्यू दे देता हूँ। 25 जो है व्यूअर्स इस प्लॉट का फ्रंट बनता है और बाकी जो 50 जो है वो इसकी जो है वो डेप्थ बनती है। व्यूअर्स, इसकी जो मैं स्ट्रीट व्यू प्लॉट की बात करूं तो व्यूअर्स ये मैं आपको स्ट्रीट दिखा देता हूं। इसके खूबसूरत 30 फीट की जो है कारपेटेड स्ट्रीट है। प्लॉट की लोकेशन की व्यूअर्स बात करें तो ये जो है मुस्फा टाउन के अंदर ये प्लॉट लोकेटेड है। मुस्फा टाउन के बिल्कुल स्ट्रीट 1 के बिल्कुल ये मिडल का प्लॉट है। लोकेशन वाइज जो है ये काफ़ी एक आइडियल लोकेशन का प्लॉट है और जो ऑलरेडी अगर इसके लैंड के स्टेटस की बात करें तो इसका जो ज़मीन है वो भी काफ़ी सॉलिड है, जिसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो उसके लिए काफ़ी फिजिबल ऑप्शन हो सकती है। इस टाउन के हवाले से थोड़ा बहुत व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं। आप इस वक्त स्क्रीन के विजुअल्स पे जो है सामने जो विजुअल्स चल रहे हैं ये मुस्फा टाउन के ही हैं व्यूअर्स। मुस्फा टाउन व्यूअर्स एक मिनट टाउन जो है वो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। यहाँ पे जो है व्यूअर्स 5 मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है सेल के लिए। मुस्फा टाउन की जो डिवेलपमेंट का काम व्यूअर्स वो जो है वो कम्प्लीट हुआ है। यहाँ पर आपको अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कारपेटेड स्ट्रीट्स एंड रोड्स मिलेगी। इसके जो मेन रोड है व्यूअर्स वो 60 फुट की जो है इसके मेन बुलेवार्ड है, बाकी इसके अगर गलियों की बात करें तो व्यूअर्स 30 फुट की जो है इसके कारपेटेड स्ट्रीट्स हैं। स्ट्रीट का व्यू मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। इसका डेवलपमेंट का काम जो है काफ़ी खूबसूरती से इसका डेवलपमेंट का काम हुआ है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ अगर व्यूअर्स बात करें तो यहाँ पर जो टाउन में बिजली जो है वो मौजूद है और अगर इसके हवाले से पानी के हवाले से मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पर बोर का सिस्टम है और काफ़ी अच्छा इनका बोर है। यहाँ पर जो पानी जो है मोस्टली जो ऑन द एवरेज जो है वो 150 फुट पर यहाँ पर पानी व्यूअर्स वो आ जाता है। टाउन की व्यूअर्स अगर मैं नियर बाई एक्सेस की बात करूं तो ये टाउन जो है आबादी के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है। यहाँ से कारियाज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो कुछ ही मिनट के ड्राइव पे, अगर आप कारियाज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल से टाउन की तरफ आएंगे तो ऑलमोस्ट गाड़ी में आपको जो है 5 to 8 मिनट्स जो है ड्राइव पर आप जो है टाउन पहुँच जाएंगे। टाउन के व्यूअर्स बिल्कुल सामने CDA सेक्टर I-14-1 जो है बिल्कुल इसके सामने, बीच में 300 फुट की ग्रीन बेल्ट है और राइट साइड पर जो है ये मुस्फा टाउन लोकेटेड है। और अगर टाउन की मजीद लेफ्ट साइड पे बात करें तो व्यूअर्स यहाँ पे एक सोसाइटी भी मौजूद है, ताज रेजिडेंशियल सोसाइटी के नाम से जो है यहाँ पे एक काफ़ी फेमस सोसाइटी है जो कि टाउन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लगती है। तो नो डाउट व्यूअर्स यहाँ पे लोकेशन की बात करें टाउन की तो काफ़ी एक आइडियल लोकेशन है, चूँकि आबादी के बीच में जगह है और इसके हवाले से जो है काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। व्यूअर्स, बाकी इस हवाले से मैं थोड़ा बहुत प्लॉट के हवाले से मैं आपको मजीद बताता चलूँ। यहाँ पे अगर इस प्लॉट का आप खरीदना चाहेंगे तो ये रजिस्ट्री इंतकाल के बेस पे आपको प्लॉट मिलेगा। ये जो प्लॉट है इसकी रजिस्ट्री जो है व्यूअर्स इस्लामाबाद से इसकी तहसील ऑफिस से इसकी रजिस्ट्री होती है। अगर आप इंतकाल करना चाहें तो यहाँ से जो लोकल जो पटवारी है उससे जो है इसका इंतकाल जो है वो भी हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से व्यूअर्स एक काफ़ी फिजिबल ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए व्यूअर्स ये काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन इसलिए हो सकती है कि एक तो आपको जो है इसकी स्ट्रीट्स जो है वो भी कारपेटेड मिलेंगे, साथ में जो सीवरेज का काम है वो भी सारा हुआ हुआ है और साथ ही साथ जो लैंड का जो स्टेटस है इस प्लॉट का वो भी सॉलिड है, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है। आखिर व्यूअर्स मैं इस प्लॉट के डिमांड के हवाले से आपको बताता चलता हूँ। प्लॉट के जो मालकान डिमांड कर रहे हैं व्यूअर्स वो इसकी 65 लाख जो है यहाँ पे इसकी डिमांड कर रहे हैं। 65 लाख के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये तकरीबन 13 लाख के हिसाब से मरले के हिसाब से जो है ये आपको प्लॉट जो है इसकी डिमांड हो रही है। प्लॉट में इसके प्राइस जो है उसमें निगोसिएशन व्यूअर्स हो जाएगी। अगर आप इस प्लॉट को व्यूअर्स फिजिकली इसको विजिट करना चाहते हैं या इस प्लॉट के हवाले से आपके मजीद कुछ क्वेश्चन हैं या आप जो है मुस्फा टाउन में कोई ऑलरेडी जो है ग्रे स्ट्रक्चर घर जो है उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे नंबर्स गिवन है, उन नंबर से आप रब्ता करके जो अपना जो विज़िट है वो आप अरेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।